बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, और आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। और चैप्टर नंबर 9 है किंगडम प्लांटी से रिलेटेड। किंगडम प्लांटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इस जो चैप्टर में से, नंबर 1, व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसके मुताबिक आपने प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन आपने बतानी है और प्लांट की क्लासिफिकेशन में आपने वो चार्ट ड्रा करना है। किंगडम प्लांटी डिवाइडेड इंटू टू डिवियन, डिवियन ब्रायोफाइटा, डिवियन ट्रैकियोफाइटा, डिवियन बायोफाइटा डिवाइडेड इंटू 3 सब डिवियन आर क्लासेस। डिवियन सब डिवियन हेपेटिकोप्सिडा, सब डिवियन ब्रायोप्सिडा, सब डिवियन स्पिनोप्सिडा। इसी तरह से डिवियन ट्रैकियोफाइट ए डिवाइडेड इंटू 4 सब डिवियन साइलोप्सिडा, सब डिवियन लाइकोप्सिडा, सब डिवियन स्पिनोप्सिडा एंड सब डिवियन टेरोप्सिडा। इसी तरह से जो हमारे पास आगे सब डिवीजन जो टेरोप्सिडा है, इसकी 3 बड़ी क्लासेस है, क्लास फिलिसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी, क्लास एंजियोस्पर्मी। वाई ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, किस वजह से उनको ये नाम दिया गया। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें स्केच ड्रॉ करना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, स्पोरोफिटिक और गमेटोफिटिक जनरेशन का कंपैरिजन भी बताना है आपने। व्हाट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन, व्हाट इज गमेटोफिटिक जनरेशन। गिव डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के कितने कौन कौन से डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवर टॉपिंग एंड प्लेनेशन, ओवर टॉपिंग और प्लेनेशन में कंपैरिजन आपने बताना है। व्हाट इज लिग्यूल, आ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट डू नॉट हैव वैस्कुलर सप्लाईज का लिग्यूल। ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ में कुकसोनिया के पास ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर आई थी। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, आ की करेक्टरिस्टिक्स एंजियोस्पर्म का, ये आपने लिखना है। डिफाइन फ्लावर, फ्लावर क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकार्ट एंड डाइकार्ट, इन दोनों में कंपेरिजन आपने बताना है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, ओवर टॉपिंग वेबिंग के दरमियान डिफरेंस आपने बताना है, ये मैकेनिज्म इनका डिस्कस करना है। इन व्हाट वे स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट एंड ट्रिकियोफाइट आर डिफरेंट, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट और स्पोरोफाइट ऑफ ट्रिकियोफाइट में कंपैरिजन बताना है आपने। व्हाट इज प्रोटोनिमा एंड इन विच ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट इज इट इज प्रोड्यूस। अब चूंकि वो ये टॉपिक उठाया गया उसकी क्लास ब्रायोप्सिडा से, अब चूंकि ये ALP में शामिल नहीं है लिहाजा ये आपसे पूछा नहीं जा सकता। डिफ्रेंशिएट लीफ विनेशन एंड सर्सिनेट विनेशन, जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ में डिस्कस किया होता है वहाँ पर जो एक लीफ विनेशन का टॉपिक दिया हुआ है, बिल सूस एडियंटम के लाइफ साइकिल में भी दिया हुआ है सर्सिनेट विनेशन, ये भी आप सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। वाई आर एंथोसिरोप्सिडा कंसिडर एडवांस देन अदर ब्रायोफाइट, ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसको करने की। नेक्स्ट है गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ फर्न्स, फर्न्स की डिटेल भी सिलेबस में शामिल नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकार्ट एंड डाइकार्ट सिलेबस में शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एवोल्यूशन ऑफ सीड सिलेबस में भी शामिल है और इसके डिफरेंट स्टेप्स के सिर्फ नाम लिखने हैं। वाई ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट, ब्रायोफाइट को एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन में, राइट एनी 4 इकोनॉमिक गेंस ड्यू टू फंजाई। अब ये जो इसके जो बिल्कुल पिछले चैप्टर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनमें लाइफ साइकिल सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन ऑफ लीफ इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन ऑफ सीड इंपॉर्टेंट है, एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट है। मोनोकार्ट और डाइकार्ट में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट सिलेबस में शामिल है और वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल, लीफ के एवोल्यूशन के डिफरेंट स्टेप लिखने। राइट ए नोट ऑन एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट, एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट जो लैंड एडाप्टेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है।
सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया जो चैप्टर नंबर हमारे पास था 9 किंगडम प्लांटिंग, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।